अगर समय के चक्र को उल्टा चला देने की कला आती तो हम करोड़ों वर्ष पहले पहुंच जाते और माँ पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ को फेरे लेते हुए देखते देखते कि त्रियुगी नारायण के इस हिमालयीन शिखर पर कैसे ब्रह्मा विष्णु भोले भंडारी का विवाह संपन्न करा रहे हैं और कैसे तमाम देवी देवता भूत प्रेत बैताल नर के नर पशु पक्षी बराती बनकर नृत्य कर रहे हैं, कैसे पूरी सृष्टि साक्षी बनी हुई मंत्रमुग्ध है। लेकिन समय का चक्र भला उल्टा कहां घूमता है, इसलिए उस पल को केवल अनुभूतियों की आंखों से ही देखा जा सकता है, जैसे युगों से हमारी आस्था देख रही है। ये वीडियो प्रयास है समय की उस अनुभूति को पकड़ने और उस पौराणिक आख्यान को जीने का। चलिए वर्तमान के रथ पर सवार होकर सुदूर अतीत की यात्रा करते हैं। पांव पांव चलते हुए भगवान सत्यनारायण के गांव त्रियुगी नारायण चलते हैं, जहां आज भी वो यज्ञ वेदी प्रज्वलित है जिसके फेरे बाबा भस्म रमैया और माई पार्वती ने लिए थे। गुप्त काशी से सोन प्रयाग के लिए निकले तो चौड़ी सड़कें हमारा स्वागत कर रही थीं। जो सकरी थीं उन्हें चौड़ी किया जा रहा था। पहाड़ खासकर हिमालय में सड़क बनाना आसान नहीं। सड़क के लिए पहाड़ काटते हैं तो वो सड़क पर ही गिरता है। उसे संभालने के लिए अलग प्रयत्न किए जाते हैं। पत्थर की दीवारें बनाई जाती हैं और उन्हें लोहे की जालियों से बांधा जाता है। इसके बाद भी पत्थर झरते रहते हैं। हम अपनी सुविधाओं के लिए अगर पहाड़ों को हिलाएंगे तो पहाड़ भी तो हमें चैन से नहीं बैठने देंगे। हम मनुष्यों को अगर अपनी बल और बुद्धि का गुरूर है तो फिर पहाड़ तो पहाड़ ही हैं, उनका कद भी बड़ा है और गुरूर भी। जब से पहियों का आविष्कार हुआ है इन सड़कों के लिए प्रकृति और मनुष्य का युद्ध जारी है। बहरहाल इस युद्ध से निकली राह पर हम सवार हैं और बाबा केदारनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क पर चलते हुए एक ओर ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से बचना है तो दूसरी ओर पहाड़ की चोटियों में फैले असीम सौंदर्य का अमृत पान भी करना है। जान भी बचानी है और भोलेनाथ का ये जहान भी देखना है। जैसे जैसे केदारनाथ के समीप पहुंच रहे हैं वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है, सड़क पर भी और आसमान में भी। सड़क पर छोटे बड़े यात्री वाहन हैं तो आसमान में हेलीकॉप्टरों की भीड़। सबका लक्ष्य एक ही है, बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचना। कोई 2 घंटे में पहुंचना चाह रहा है तो कोई 2 दिन में। हमें कोई जल्दी नहीं है, जितना चलने की सामर्थ्य देंगे उतना चलेंगे और जब बुलाएंगे तब उनकी देहरी पर शीश नवाएंगे। फाटा से सोन प्रयाग तक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। इस बीच जगह जगह हेलीपैड हैं और हेलीकॉप्टर के इंतजार में खड़े लोगों की भीड़ है। वैसे तो यात्री वाहनों को सोन प्रयाग तक जाने दिया जाता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी है कि 7 किलोमीटर पहले रामपुर में ही रोक दिया गया है। रामपुर सीतापुर और सोन प्रयाग तक सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े हैं और तीर्थयात्री अपनी गठरी सिर पर लादे इधर उधर भटक रहे हैं। सोन प्रयाग में मां मंदाकिनी के किनारे बहुत बड़े क्षेत्रफल में पार्किंग है। पहाड़ की पीठ पर चलते हुए वहां हजारों की संख्या में खड़े वाहन माचिस की डिबिया की मानिंद दिखाई देते हैं। सहसा ख्याल आया कि 2013 में भी इसी तरह वाहन खड़े रहे होंगे और बाबा के धाम में आए जल प्रलय से सब मंदाकिनी में समा गए होंगे।
अगले ही पल उन स्मृतियों और विचारों को फटकारा और कहा कि अरे शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ बोलो। सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पुलिस ने गौरी कुंड की ओर जाने से रोक दिया। दोपहर 12 बजे तक ही यहां से आगे के लिए छोड़ा जा रहा था। गौरी कुंड और केदारनाथ में अधिक भीड़ न हो इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। हम गौरी कुंड मार्ग पर ही पंजाबी समाज द्वारा लगाए गए लंगर में पहुंच गए। वहीं प्रसाद पाया और वहीं रुक गए। तीर्थयात्रियों की सेवा का भाव कोई इनसे सीखे। माइक से अनाउंसमेंट चल रहा था और सभी को बुला बुलाकर भोजन जिमा रहे थे। जिसे रुकना हो रुक भी सकते थे, बिल्कुल किसी सेवा भावी आश्रम की तरह। रात तक यहां रुकने वालों की संख्या बहुत हो गई, लेकिन सभी को रुकने की जगह दी गई। सोने के लिए जरा सी ही जगह थी, करवट लेने में भी दिक्कत हो रही थी, फिर भी बहुत थी। कड़कड़ाती ठंड में एक आसरा तो था। इन सेवा भावियों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकल रहा था। दिन भर तीर्थयात्रियों की सेवा के बाद भी रात में इनका उत्साह हर स्मरण में झलक रहा था। यहाँ काम संभालने वाले युवा साधु भले न हों, निर्वहन साधु धर्म का ही कर रहे थे। भोजन और शयन की सेवा जब इस तरह की हुई हो तो सुबह इसके लिए भी तैयार ही रहना था कि अमृत वेला में बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे और आश्रम वालों ने 4 बजे से सबको जगाना शुरू कर दिया। हालांकि 3 बजे जब मैं शौच के लिए गया था तभी कुछ लोग बैग लेकर गौरी कुंड की तरफ चल पड़े थे। सड़क से जाने वालों की आवाज तो रात्रि 2 बजे से ही सुनाई देने लगी थी। भोलेनाथ का जयकारा बता रहा था कि सब बाबा केदार के लिए जा रहे हैं। भीड़, शोर और आश्रम वालों की गद्दा उठाने की जल्दबाजी के कारण पूरी पूजा नहीं कर सके। यात्राओं में इष्ट पूजा अधूरी भी रह जाए तो क्या है, पदयात्रा भी तो इष्ट पूजा ही है, एक अनुष्ठान। बैग तैयार करके 5:15 बजे निकल पड़े। पुल से लेकर सोनप्रयाग बस अड्डे तक केदारनाथ जाने वालों की कतार थी। पुलिस वालों ने व्यवस्था ठीक बना रखी थी। सभी को व्यवस्थित गौरी कुंड के लिए रवाना किया जा रहा था। भक्तों का मेला बाबा केदारनाथ की ओर जा रहा था, भोले के धाम, और हम भोले की ससुराल जा रहे थे। त्रियुगी नारायण, सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण की दूरी यही कोई 13 किलोमीटर है और जाते हुए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। 1.5 किलोमीटर चढ़े फिर पीठ पर लदे बैग बैताल से पूछा कि आपका भी चलना जरूरी है क्या। बैग बैताल ने तत्काल उत्तर दिया, हम तो रात की पहरेदारी के लिए दिन भर आपकी पीठ पर लदे रहते हैं मेरे आका। हिमालय के शीत से आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर दिन ढलने तक लौट आए तो फिर अपना राम राम स्वीकार करें। सोचा लौटकर तो यहीं आना है, इसलिए बैग बैताल को यहीं रोक दिया जाए। एक रेस्टोरेंट वाले भाई से बात की, सज्जन थे, बैग रखवा लिया और ऊपर जाने के लिए शॉर्टकट भी बता दिया। बस क्या था, हल्के हुए और पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। 2 शॉर्टकट लिया तो आधा पहाड़ पार हो गए। सड़क किनारे फिर चाय नाश्ते की एक दुकान मिली, थोड़ा विश्राम यहां भी लिया। बातचीत में पता चला कि दुकान वाले भाई भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं और पहाड़ों पर घूमते रहते हैं। उन्होंने ऊपर जाने का फिर एक शॉर्टकट बताया, गांव वालों का पुराना रास्ता। चढ़ने में थकान तो लगी लेकिन 40-45 मिनट में लगभग पूरा पहाड़ चढ़ गए। फिर वहां से त्रियुगी नारायण 3 किलोमीटर बचा। सड़क सड़क ही चले, बहुत सुंदर मार्ग। सड़क के दोनों ओर सघन वन, बहते हुए पानी के झरने
और पेड़ों की ओर से दिखते हिमाच्छादित शिखर। वैसे तो उत्तराखंड के पहाड़ों में हर मार्ग बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, बहुत अलौकिक है, लेकिन ये जो मार्ग है जो त्रिवगी नारायण की ओर जाता है वो अपने आप में बहुत प्राकृतिक है। सामने हिमाच्छादित श्रेणियाँ हैं, शिखर हैं, और सड़क के दोनों ओर बहुत सघन हरियाली है। ऐसी हरियाली जो धूप को नीचे नहीं उतरने देती और बहुत मन को, आँखों को, सबको बहुत आराम देती है। 8:30 बजे त्रिवगी नारायण पहुँच गए एक अत्यंत प्राचीन मंदिर जहाँ भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर में भगवान विष्णु अर्थात त्रिवगी नारायण, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती की रजत प्रतिमा है। सबसे दिव्य प्रतिमा है सत्यनारायण भगवान की। मूर्ति रूप में सत्यनारायण भगवान की इतनी भव्य और दिव्य प्रतिमा पहली बार देखी। अष्ट धातु की विशाल प्रतिमा, ऐसा लगता है कि प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देने के लिए भगवान समीप आ जाएंगे। 4 भुजाओं में से 2 को बाहर निकालेंगे और दास को उठा लेंगे। शिव पार्वती का जोड़ा और शिव के गण भी इसी तरह के जीवंत हैं। सैकड़ों की संख्या में रखे शालिग्राम भी। यहाँ पे महाराज जी शिव और पार्वती का शादी हुआ है। मंदिर तो भगवान नारायण जी का है। हाँ, 52 अवतार जो हुआ है जी, मंदिर तो उनका है, त्रियोगी नारायण जी, त्रियोगी नारायण जी, लेकिन शादी यहाँ पे शिव और पार्वती हुई। अच्छा, आपने सुना होगा दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी सती माता जी, जो 2 अपमानों के कारण हवन कुंड में भस्म हो जाती है। पहला अपमान उनके स्वयं के पिताजी ने किया, दूसरा अपमान जब राजा रामचंद्र जी सीता की खोज में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं श्री जी से मैं इनकी परीक्षा ले लूं। तो श्री जी ने कहा कि जाइए। दूसरा अपमान उनका वो हो गया, तो 2 अपमानों के कारण वहाँ भस्म हो गई थी। फिर दोबारा जन्म लिया उन्होंने इस स्थान पर पर्वतराज हिमाचल के घर में माता मैना की कोख से। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती। बिल्कुल, बताते हैं गणेश जी की उत्पत्ति पहले नहीं थी, पहले वैसे आदिविनायक तो थे, लेकिन उत्पत्ति तब बताते जब शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ जी। तो राजा हिमाचल के जो अपने इष्ट देव कुलदेव थे वो थे भगवान नारायण। तो इसीलिए उन्होंने पार्वती मैया का विवाह भगवान नारायण को साक्षी मान करके किया। सबसे अद्भुत है मंदिर के अंदर जल रहा हवन कुंड, वो यज्ञ वेदी जहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने फेरे लिए थे। कहते हैं कि तब से ये अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में ये योग बल से जलती थी, कलयुग में जलानी पड़ती है। इसमें लकड़ियां समर्पित की जाती हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु इस यज्ञ कुंड में अपनी सामर्थ्य के अनुसार लकड़ियां समर्पित करते हैं। प्रसाद के रूप में इस कुंड की भस्मी भी ले जाते हैं। कहा जाता है कि कुंड में लकड़ियां समर्पित करने और इसकी भस्मी प्रसाद से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जिस तरह माता पार्वती और शिव का दाम्पत्य जीवन अनुपम और अनूठा है, उसी तरह का वैवाहिक जीवन यहाँ का प्रसाद पाने वालों का भी रहता है। त्रिवगी नारायण मंदिर के तीर्थ पुरोहित रविग्राम नामक गांव के जमलोकी ब्राह्मण हैं जो इस हवन कुंड की अग्नि को लगातार जगाए रखते हैं। भगवान की पूजा, भोग, स्नान आदि भी यही कराते हैं। अखंड अग्नि है जी। तो शिव और पार्वती ने फेरे वहीं पे लिए थे। अच्छा, बताते सतयुग, त्रेता और द्वापर तक, हाँ, 3 युगों तक देवताओं से वो अग्नि जलती रहती थी। अच्छा, लेकिन जैसे कलयुग का आरंभ हुआ तो उस अग्नि को जो है जीवित रखने के लिए उसमें लकड़ी डाली जाती है। अच्छा, तो कंटिन्यूअसली उसमें लकड़ी डाली जाती है और उस आग को जीवित रखा गया हमारा। अभी भी ये अग्नि जो है भारत की मैंने विभिन्न क्षेत्रों में जाती है। आप असम से लेकर के साउथ से लेकर के पूर्व से लेकर के उत्तर तक चारों दिशा में यहाँ से लोग अग्नि के लिए आते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, वहाँ यज्ञ हो रहा है, तो लोग यहाँ से अग्नि ले जाते हैं। अच्छा, उपले नहीं होते गोबर की, कोई उनपे ले जाता है, कोई जूट की रस्सी बनाकर के उनमें ले जाते हैं। यहाँ से अग्नि आपके गुजरात हो गया, आसाम हो गया और ये कर्नाटक, केरल तक, देश के विभिन्न हिस्सों में जाती है। मंदिर परिसर में ही वो ब्रह्मशिला या धर्मशिला भी है जहाँ पर्वतराज हिमालय ने माता पार्वती का कन्यादान किया था। लोग आज भी यहाँ चावल की थाली और सुहागन का श्रृंगार लेकर पूजा करते हैं। तीर्थ पुरोहित विधि विधान से पूजा संपन्न कराते हैं।
यहां कभी गोदान भी हुआ करता था। पत्थर का खूंटा आज भी अपनी जगह पर गड़ा हुआ है। यहाँ भी धर्मशिला महाराज जी, तो यहीं पे उस समय राजा हिमाचल ने पार्वती मैया का कन्यादान किया था जी। बताते हैं उस समय उन्होंने 125 मोती और 125 गायों का दान करके पार्वती मैया का कन्यादान किया था। अच्छा, तो गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि कलयुग में इतने मोती या हीरे जवाहरात किसी पास होंगे नहीं। हाँ। तो जो ये चावल की थाली आपने देखी होगी जी, तो वो चावल मैंने मोती मान करके उन चावलों का यहाँ पे दान किया जाता है। अच्छा। कई लोग अभी भी आते हैं तो गाय दान भी करते हैं। ये गाय बांधने की किलाई सामने दिख रहा है, ये गाय बांधने का खूंटा है। मंदिर के गर्भगृह में सरस्वती गंगा की एक धारा है। इसी धारा से मंदिर परिसर में स्थित रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड और नारद कुंड नामक सरोवर भरते हैं। रुद्रकुंड में स्नान, विष्णुकुंड में मार्जन, ब्रह्मकुंड में आचमन और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। पंडित जी के अनुसार दो कुंड मंदिर के अंदर भी हैं, जिनमें एक के जल से भगवान को चावल का भोग लगता है और दूसरे से भगवान का स्नान होता है। वहां का जल बाहर उपयोग नहीं होता। चार कुंड है जी, ब्रह्मकुंड, रुद्रकुंड, ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्मकुंड, शिव जी की शक्ति से रुद्रकुंड जी, और ये विष्णुकुंड, ये तो ऑलरेडी भगवान नारायण जी का है जी, तो विष्णु जी का कुंड हो गया, और ये सरस्वती कुंड चौथा। अच्छा, चार कुंड, चार कुंड, इसमें पितृ तर्पण होते हैं जी। ठीक है महाराज जी। और चौथा है थोड़े नारद कुंड बताते हैं। हाँ हाँ, पांच जी, पांच। तो ये है दो कुंड अंदर। अच्छा, ये मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर। अच्छा, सूरज कुंड हो गया और अमृत कुंड हो गया जी जी। सूरज कुंड का पानी जो है सिर्फ भोग के लिए आता है। अच्छा, अमृत कुंड का पानी कहीं। अच्छा, पूजा के लिए इस्तेमाल। शीतकाल में जब उत्तराखंड चार धाम में बर्फ जमी होती है और सभी मंदिरों के कपाट बंद होते हैं, त्रिवगी नारायण मंदिर तब भी खुला रहता है। उन दिनों जब श्रद्धालु नहीं आते, तब यहां के सभी तीर्थ पुरोहित बारी बारी से महीने में 3-3 दिन हवन कुंड में लकड़ी समर्पित करते हैं और अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। उसके लिए लकड़ी का प्रबंध शीतकाल के पहले किया जाता है। एक विशेषता इन लकड़ियों की भी है। कहते हैं कि यहां समर्पित की जाने वाली लकड़ियां इस वन क्षेत्र के खास हिस्से से आती हैं, जो केवल इसी कार्य हेतु आरक्षित है। वहां की लकड़ियों का अन्य इस्तेमाल कोई नहीं करता, वो केवल इसी यज्ञ कुंड के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे महाराज जी दूसरी बात, यहाँ पे पटबंद नहीं होता। अच्छा, जैसे अन्य मंदिरों में 6 महीने में पटबंद हो जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो है 12 महीना पूजा होती है जी जी। यहाँ पे पटबंद कभी नहीं होते। होता जी। आप किसी भी सीजन में आइए, किसी भी मौसम में आइए। अच्छा, सर्दी में आएगी, बरसात में आएगी, मतलब बर्फ भले जमी रहे लेकिन मंदिर खुला रहेगा। अभी भी जैसे अग्नि जो जल रही है, आपकी इच्छा है कि आपने 10 रुपए का छोटा सा अग्नि छोड़ा जी, लेकिन जैसे यहाँ के जो परिवार है तो उनमें एक परिवार की 3 दिन की ड्यूटी है। अच्छा, 3 दिन तक वो अग्नि की ड्यूटी उस आदमी की है जी जी। बस तो जैसे बर्फ गिरती है तो वो स्टोर पहले करना पड़ता है। हाँ। भाई एक 10 दिन बाद मेरा नंबर आने वाला है, के पहले स्टोर कर मैंने अपना स्टोर कर दिया जी। तो मतलब मैंने 3 दिन में कम से कम 15-20 क्विंटल लकड़ी एक आदमी को करनी पड़ती जी जी। वही मोटे मोटे लगा देते हैं जिससे वो जल्दी जल्दी रहे। तो कई लोगों को विश्वास नहीं, तो हम कहते आप कभी भी आए किसी मौसम में, जब आपको ये पता है उत्तराखंड में भयंकर बर्फबारी हो रही है, आप उस सीजन में आइए और देखिए जी जी कि यह वास्तव में बंद है या खुला है। मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां हैं, जैसे हिमाचल सुता के विवाह में भाई की भूमिका भगवान विष्णु ने निभाई, जबकि ब्रह्मा जी आचार्य थे। विवाह समारोह के पहले मंदिर परिसर स्थित कुंडों में देवताओं ने स्नान किया था। चार कुंडों का जल स्रोत सरस्वती कुंड है, जिसे विष्णु की नाभि कहा जाता है। इन कुंडों के जल को संतानहीनता का इलाज भी माना जाता है। कहा जाता है कि त्रियुगी नारायण मंदिर त्रेता युग में स्थापित हुआ, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ द्वापर युग में। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, इसलिए यहां विष्णु वामन देवता के रूप में पूजे जाते हैं। त्रिवगी नारायण नामक इस स्थान को हिमावत की राजधानी भी कहा जाता था, तथा इस मंदिर में जल रही अखंड धुनी के कारण मंदिर को अखंड धुनी मंदिर भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिमालय के अन्य मंदिरों की तरह इसका भी जीर्णोद्धार कराया और इस स्थल को पुनर्प्रतिष्ठा दिलाई।
नई बात यह है कि उत्तराखंड सरकार इस स्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है ताकि लोग यहां आकर विवाह कर सकें। जिस स्थान पर शिव पार्वती ने एक दूसरे को आत्मसात किया था उस स्थान पर उनके भक्त भी सात फेरे ले सकें, ऐसा इंतजाम पर्यटन विभाग कर रहा है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि त्रियुगी नारायण पहुंचे कैसे। यहां आने के लिए सोन प्रयाग से या गुप्त काशी से ही वाहन मिल जाते हैं। ज्यादातर लोग निजी वाहन से ही यहां आते हैं। गुप्त काशी या सोन प्रयाग तक कैसे पहुंचे गुप्त काशी वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, चाहें तो उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां रुकने के लिए बहुत सीमित जगह है। काली कमली वालों की एक धर्मशाला है जहां निःशुल्क रुक सकते हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं है। सुविधाएं चाहिए तो कुछ पैसे खर्च करके स्टे होम में स्टे लेना होगा। इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में चलेंगे इस पद यात्रा के प्रमुख पड़ाव 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। गौरीकुंड, मुकुंड भैरव और बाबा केदार के अद्भुत दर्शन करेंगे। इसके अलावा हिमाच्छादित शिखरों को भी देखेंगे। तो तैयार रहिए उस रोमांचक यात्रा के लिए। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें, हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय गंगा माई की, जय यमुना माई की, बाबा केदारनाथ की जय। नर्मदे हर।